रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको मैं आपको अभी जो कुछ भी दिखाना है वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट होगी या लॉस होगी वो आपके सामने होगा, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। और एसएल का जो मैं बताता हूँ, तो एसएल की भी जो रखने की रीज़न है कि एसएल लगाना होता है, उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अभी जीबीपी और यूएसडी को या फिर यूरो और यूएसडी को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि 1 आवर को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमें ये जो चीज़ है आरएसआई, ये बता रही है कि यहाँ पर एसी जो है एओ, ये भी हमें ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है अभी, तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लें कि इसकी हद हो रही है। और अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि अभी सेल होगा या बाय होगा। तो एक चीज़ हम देखना भूल जाते हैं, वो टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो जैसे आप 4 आवर का करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो मार्केट अभी जो आ रहा है, ये तो बता रहा है कि ये नीचे चल रही है, मार्केट नीचे जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखते तो काफ़ी जो बायर हैं वो अच्छी खासी यहाँ पर अमाउंट दे चुके हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाई कर चुके हैं। तो उसके बाद ऐसे यहाँ पर देख लें एक दफ़ा कि यहाँ पर कुछ हद तक बायर बहुत ज़्यादा वो थे, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग लगाई, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो टाइम फ्रेम है ये 1 डे का है, तो आपने देख लेना है कि यहाँ पर देखिए कि एक हद तक मार्केट जाती है, उसके बाद ये डंप हो जाती है और अच्छे तरीके से डंप होती है, फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन 1 डे के हिसाब से देखे जाए तो फिर वो यहाँ पर SLB काफ़ी रखना पड़ेगा। अगर 1 डे को देखा जाए, अगर 4 आवर को देखा जाए, फिर भी आपको वो हिसाब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका रेजिस्टेंस ये वाला बढ़ रहा था। ठीक है, सपोर्ट ये वाली थी और रेजिस्टेंस ये बढ़ रहा था, पहले ये वाली सपोर्ट थी। ठीक है, ये वाली तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर ये सपोर्ट थी इसकी। ठीक है, ये मैं इतने ज़्यादा क्लोज से नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी से करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो है बन गई सपोर्ट भी, बन ये रेजिस्टेंस बन गया, और साथ ही जब मार्केट ऊपर चली गई, जो पहला ये वाला रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर से, सॉरी फ्रेंड्स ये क्या हो गया, तो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिर इसने क्या किया कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बन गया ये वाला। ठीक है, तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ, इतना क्लोजी से नहीं कर रहा, और टाइम फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि उसके बाद इसकी हाइट अच्छी खासी चली गई है। तो जैसे कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पर ये जो नीचे हो रहा है यहाँ पर लगाने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले तो इसका रेजिस्टेंस बन रहा था, लेकिन सही जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो यहाँ पर था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा लें। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ कि इसी को उसने सपोर्ट बनाई, और सपोर्ट बनाकर बायर ने फिर इसमें जो कि बाई के आर्डर लगाए, ज़्यादा इन्वेस्ट की बाई के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मार्केट ऊपर गई है एकदम से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उस वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। रिजेक्शन मिलते ही यहाँ पर देखिए कि उसको अच्छी खासी जो कि मूवमेंट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ये रिजेक्शन मिलते ही अच्छी खासी नीचे आई। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स के फिर इसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली बाइक की तरफ से, लेकिन फिर से ये ऊपर की जानब चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर से ये नीचे आना स्टार्ट होगी। और टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो 1 आवर 4 आवर का है, और 1 आवर का देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये चीज़ें हमको दिखती हैं। ठीक है, कि एक तो स्लो होकर मार्केट चल रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये अगर हम 4 आवर का करते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, ये अब सेल होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम 1 डे का हिसाब करते हैं तो देखें, अगर 2 दिन का हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये बता रहा है कि जो यहाँ पर रिजेक्शन होने के बाद 2 दिन से ये हमको बता रहा है कि ये सेल हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर 1 डे का थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। तो फ्रेंड्स मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझाने में भी, और बोलने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि
ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक हद तक इसकी बायर हो चुकी है, अच्छे तरीके से इन्होंने बाय कर लिया है, लेकिन अब इसकी रिजेक्शन होने स्टार्ट हो गई है, बायर कम होने स्टार्ट हो गए और सेलर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर वगैरह जो बाय किए हैं वो उनको क्लोज़ करते हैं, उसके बाद सेल के ऊपर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर मार्केट अच्छे तरीके से डंप होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ रिजेक्शन मिलती हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन कुछ हद तक फिर वो, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर हैं वो काफ़ी हद तक बहुत देर लगा देते हैं कि उनके जो ऑर्डर है वो लगे रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि एक दिन के बाद या फिर 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद, इस हिसाब से बड़े ट्रेडर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर देखें कि जिन जो बड़े ऑर्डर लगाते हैं वो तो लगे रहते हैं, तो कुछ जो न्यू आते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो भी थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, वो भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जब क्लोज़ करते हैं तो मतलब उनका तो ये होता है कि 30 मिनट के बाद क्लोज़ कर लिया, 1 मिनट के बाद क्लोज़ कर लिया, अपनी प्रॉफिट निकाली थोड़ी बहुत ही, तो उससे फिर मार्केट की जो कैंडल स्टिक है वो आपके सामने इस तरह की शेप बनती जाती हैं। तो जाती जाती फिर ऐसे रिजेक्शन होती है कि वो उनको फिर से, इतने भी बिगनर्स होते हैं जिन्होंने वहाँ पर डिपॉजिट वगैरह करवाया होता है उसके अंदर, तो बहुत सारे इतना भी नॉनसेंस नहीं होते कि वो उनको पता ना हो कि अब कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं लगाना, लेकिन फिर भी 50% उनको समझ नहीं लगती, ठीक है। तो इस हिसाब से वो रिजेक्शन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह बनती जाती है। तो अब ये सेलर ज़्यादा है यहाँ पर, मैं अभी आपको लगा कर दिखा देता हूँ, नहीं तो इस तरह का USDT के ऊपर हम और भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी जो लग सकती है ऑर्डर लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे USD का दूसरा पेयर है NZ NZD USD, तो यहाँ पर भी हमारा लग सकता है, तो यहाँ पर मैं अभी लगा देता हूँ सेल के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपके पास अमाउंट तो कम हो तो आपने ज़्यादा बड़ी लॉट्स वगैरह नहीं लगानी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने 2-4 लगा देता हूँ, इससे आपको जब प्रॉफिट वगैरह आएगी तो आपको समय लग जाएगी, क्योंकि अगर हम 1 डे के हिसाब से लगाते हैं कुछ वक्त के लिए, मतलब कि मार्केट को देखते हैं कि ये कुछ देर के बाद मार्केट नीचे जा सकती है। अगर देखिए, हमने देखा है जो वो टाइम फ्रेम 4 आवर का या 1 डे का ही है, तो फिर हमको उतना ही वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप पहले भी प्रॉफिट आ जाती है तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 डे के हिसाब से आपने देखा है तो फिर 1 डे के हिसाब से ही आपने देखना है। ऐसे नहीं करना कि आपने टाइम फ्रेम 30 मिनट का सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पर देख लिया कि ये तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आपने 1 डे का किया, 1 डे के करने के बाद यहाँ पर ये मार्केट बता रही है कि नीचे की तरफ जाएगी ये RSI, तो यहाँ पर 1 डे के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये बता रही है कि ये नीचे जा रही है मार्केट। अगर हम 30 मिनट का करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये तो ऊपर जाने की है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हो चुकी है, हद हो चुकी है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिए, अगर 30 मिनट का है तो आपने 30 मिनट के लिए ही करनी है, ऐसे नहीं करना कि 30 मिनट के हिसाब से देख लेना है आपने यहाँ पर बाई लगा देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि ये ऊपर जाने की तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, तो यहाँ पर आप बाई लगा देते हैं। तो मैं अब देखें कि आपके सामने जो ऑर्डर लगे वो सेल के ऊपर लगे, तो भाई आपने देख लेना है कि जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का लगाया है या 4 आवर का लगाया है या 1 डे का हिसाब, आपने वैसे ही हिसाब लगाना है। तो ये भी चीज़ आपने देखनी है कि 1 मंथ के अंदर कितनी मार्केट नीचे गई है और उसी मंथ के ऊपर अंदर कितनी दफ़ा मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई है और कितनी ज़्यादा नीचे गई, ये चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इन 2-3 चीज़ों का ही समय लगी होगी, तो इससे आपको अच्छी खासी जो कि हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स देखें, जब मार्केट में ये जो चीज़ होती है तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर मैं आपको शो करवा ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए यहाँ पर, देखें कि ये मार्केट कब क्लोज और कब ओपन हुई है कोई इसको नहीं बता सकता। ये जो रेड कलर की ये जो पहले वाली है, इसके बाद वाली है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कि कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है और कहाँ पर नहीं किया गया। तो ये कंपनी वालों के काम होते हैं, कंपनी वाले बोले तो ऐसे कह लें कि ये जो फॉरेक्स जिनके कंट्रोल में है वो इस तरह की हरकत करते हैं। अगर हम इसको 30 मिनट का करते हैं तो यहाँ पर साफ आपको नज़र आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्राई करता हूँ कि। तो फ्रेंड्स, ये जो चेनिंग वगैरह करते हैं ये फिर तब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट ये किस तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए SL वगैरह रखा जाता है ताकि आप लोगों को या हम जैसे को कोई ज़्यादा लॉस वगैरह ना हो और हमारे अकाउंट वगैरह वाश ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जूम आउट करता हूँ तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट की जो मूवमेंट हो रही होती है उसका सही तरीके से पता नहीं चल रहा होता, ठीक है।
क्योंकि वो कुछ ऑर्डर ऐसे ही कैंडलस्टिक काम करने लग जाती हैं कि वो आगे पीछे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर स्टार्ट होता है तो बिल्कुल उसके बराबर से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि ये अब बाइक की तरफ जा रही हैं, तो अगर वो टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडलस्टिक चेंज होती है तो वहीं से अगर सेल की तरफ जाए तो वहीं से स्टार्ट होती है। ये देखिए यहाँ पर कि अगर बाइक की तरफ चल भी रही हैं, टाइम फ्रेम चेंज हुआ है 15 मिनट का, तो फिर वहीं से ये स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ जाएगी, उसके बाद फिर से ये नीचे जाए या ऊपर जाए लेकिन वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन जब प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट हो जाए, ये यहाँ पर देख लें आप कि मार्केट यहाँ पर, ये यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, बाइक की यहाँ से ओपन होकर ऊपर गई, ठीक है, फिर से डंप होना स्टार्ट होगी और नीचे आई अच्छे तरीके से, और नीचे आने के बाद फिर से ये पंप हुई, पंप होने के बाद यहाँ से इसने ओपन होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ओपन कैसे हुई, तो ये कम से कम 20-30 पिप के डिफरेंस के बाद इसने ओपन किया है मार्केट को, कंपनी वालों का कह दें या दूसरों का कह दें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको इन दो चीज़ों का कुछ कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, जो होगा वो मज़ीद बड़ा होगा या फिर मज़ीद क्लियर होगा, ठीक है, मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ है, ये हमारे ट्रेडिंग के हवाले से कुछ ना कुछ फ़र्क डालती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के बाद आपने ऐसे करना होता है कि जब ऑर्डर वगैरह लग गए तो आपने थोड़ा सा ध्यान वगैरह भी रखना है, और उसके साथ साथ ये भी चीज़ आपने करनी है कि ऑर्डर वगैरह लगाने के बाद SL वगैरह का भी ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं भी आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये वनडे का हिसाब मैंने जो दिखाया है आपको, वनडे के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। इसकी रिजेक्शन भी अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट को देखा जाए, 1 वीक के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये देखें कि इनकी दो कैंडल स्टिक जो ये वाला वीक और ये वाला वीक अच्छे तरीके से ये ऊपर जा चुकी है, उसके बाद इसने रिजेक्शन ली है। तो रिजेक्शन लेते हुए भी इसने क्या कह लें कि 31,000, तो 700-800 के करीब इसने जो कि पिप्स आगे पीछे हो गई हैं, तो इससे रिजेक्शन का पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा जो पिप हो गए हैं, तो अब जो सेलर हैं वो सेल के ऊपर लगाएंगे। तो 2-3 वीक के हिसाब से भी अगर देखे जाए तो ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अभी हम वनडे के हिसाब से लगा रहे हैं, तो वनडे के हिसाब से भी हमें ये चीज़ बता रही है कि ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अगर RSI वगैरह को देखें तो RSI भी यही बता रही है, और AO का भी देखा जाए तो AO भी यही बताएगा कि अब इस यहाँ पर रेड जो के बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा भी होता है कि इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये चीज़ हमको बता रही है कि ये नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्रॉफिट हुई और कितनी मूवमेंट इसने की है, ठीक है। तो अगर एक दिन का हिसाब लगाऊंगा तब भी आपको दिखाऊंगा, अगर ज़्यादा दिन का हिसाब लगाया तो फिर उसी हिसाब से मैं आपको डे बाई डे दिखा दूंगा कि इतनी इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो कुछ हद तक इसकी मूवमेंट नीचे जाएगी, फिर इसको रिजेक्शन मिलेगी, फिर ऐसा ऐसा फिर ये नीचे आती रहेगी, फिर इसको रिजेक्शन अच्छी खासी मिल जाएगी, तो ये मार्केट अच्छे से बंप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो सिंपल अल्फाज में ये कह दूँ कि अरूज के बाद जवाल भी आता है, जवाल के बाद अरूज भी आता है, तो ये इसी तरीके से काम करती रहती है। तो कौमों के ऊपर तो फिर कुछ सदियों के बाद जवाल आता है या कुछ सदियों के बाद अरूज आता है, लेकिन मार्केट का कभी नहीं पता चलता कि ये एक दिन के अंदर ही अरूज आ जाता है, एक दिन के अंदर ही जवाल आ जाता है। तो ये चीज़ों का आपके माइंड में होना लाजमी है, क्योंकि आपने सिर्फ टाइम फ्रेम 30 मिनट का और 1 आवर का ही नहीं देखते रहना, आपने अगर ऑर्डर एक भी लगाना है 0.01 का, फिर भी आपने 1 डे के हिसाब से भी देख लेना है, 4 आवर के हिसाब से भी देख लेना है, और 1 आवर के हिसाब से भी देख लेना है कि RSI और AO या AC वगैरह हमें क्या बताते हैं। AC का भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि फिर से मैं F के अंदर चले जाता हूँ, मेन चार्ट के ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ पर AO को हमने किया था, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आप कर लें तो इस AC ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें AC और AO एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो AC है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता देता है फिर भी, ठीक है। तो अगर तीनों करना चाहते हैं तो तीनों कर लेना है, अगर आप दो करना चाहते हैं दो दोनों ही कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है।